नमो सिद्धाणं नमो वायिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। प्रवचन सार की 99 नंबर की गाथा चल रही है और 99 नंबर की गाथा में पहला पैराग्राफ हमने कल पढ़ा था। पहले पैराग्राफ में जो बात आई है पहले उसको दोहराते हैं और उसके बाद जो सम्यक प्रभाव पुस्तक से अपन लोग पढ़ रहे थे उसमें से कुछ बिंदु अपन ओढ़ लेंगे। देखो समझाना क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं अपन। समझाना क्या है इसमें ये बताना है कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक होने पर भी द्रव्य सत है। तो यहां विश्व में स्वभाव में नित्य अवस्थित होने से द्रव्य सत है और स्वभाव द्रव्य का द्रव्य उत्पाद विनाश की एकता रूप परिणाम है। अब इसमें एक एक समय का परिणाम और एक एक समय के परिणाम में उत्पाद वे द्रव्य लगाया। परिणाम को समझाने के लिए प्रदेश का दृष्टांत दिया जैसी कल चर्चा हुई थी। तो देखो फिर से ये बार बार पढ़ने जैसा है, जिनवाणी का अमृत है कि जैसे द्रव्य का वास्तु समग्र पने द्वारा, वास्तु का क्या अर्थ किया था कल, वास्तु माने क्षेत्र, तो क्षेत्र की समग्रता माने अखंडता के द्वारा द्रव्य कैसा है कि उसका क्षेत्र एक ही है। द्रव्य का वास्तु अखंडता के द्वारा वो एक ही है और एक होने पर भी क्या होगा कि विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसका जो सूक्ष्म अंश है वे प्रदेश हैं। ये प्रदेश की परिभाषा कल आई थी। ये दिया दृष्टांत, मैंने समझाना है परिणाम। दृष्टांत काय का दिया कि दृष्टांत दिया प्रदेशों का है ना। हाँ उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति, वहां कहा था वास्तु, यहां कहा वृत्ति। वास्तु माने क्षेत्र, वृत्ति माने परिणमन धारा। तो वो समग्र पने के द्वारा तो एक है, अनादि अनंत परिणमन 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 एक धारा से चल रहा है। और उसमें क्या है वो भूल जाओ, परिणमन स्वभाव वो भी अनादि अनंत है। परिणाम एक समय का है, पर्याय एक समय की उत्पाद वे जो अपन जिसको बोलते हैं ना, लेकिन परिणाम स्वभाव कैसा है कि परिणाम स्वभाव तो वो भी अनादि अनंत है। तो ऐसा होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश हैं वे परिणाम हैं। ये होगी। फिर तीसरा बिंदु लिया था कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है। मैंने असंख्य प्रदेश ही आत्मा है, तो पहली बात तो असंख्य प्रदेश ही एक है वो, और असंख्य प्रदेशी एक होने पर भी उसमें जो एक एक प्रदेश का हम भेद खड़ा करेंगे उसका जो सूक्ष्म अंश है विस्तार का, यह आया ना विस्तार क्रम में जो सूक्ष्म अंश उसको प्रदेश कहा था, तो वो क्यों होता है खड़ा कि असंख्य प्रदेश है। तो देखो असंख्य प्रदेश अखंड रूप से एक होने पर भी उनमें कोई खंड नहीं है, ऐसे टुकड़े नहीं है, असंख्यात ऐसे टुकड़े नहीं है, लेकिन असंख्य रूप से एक होने पर भी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता। व्यतिरेक का मतलब क्या है कि एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, क्योंकि अगर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप होने लगे, यानी जैन दर्शन की बारीकी कितनी है कि एक प्रदेश यदि दूसरे प्रदेश रूप होने लगे तो असंख्यात प्रदेश मिट करके संख्यात हो जाएंगे,
और संख्यात मिट करके उंगलियों में गिनने जितने हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि एक एक प्रदेश का अपना अपना अस्तित्व है, भले ही वो अखंड है, अखंड होने पर भी सबकी स्वतंत्र, माने सभी प्रदेश स्वतंत्र, माने एक दूसरे रूप नहीं होते। तो असंख्य कब रहेंगे वो? अगर एक दूसरे रूप होएंगे तो असंख्य रह सकते हैं। भाई जगत में छह द्रव्य है, अभी उदाहरण से समझो आप कि जगत में छह द्रव्य है, आपके हाथ में पांच अंगुली है, चलो यूं लो, तो ये पांच अंगुली कब पांच अंगुली है? कि जब एक अंगुली दूसरी अंगुली रूप नहीं हो गई। अगर अंगूठा इस अंगुली रूप हो गया तो कितनी रहेगी? चार। फिर ये अंगुली इस अंगुली रूप हो गई तो कितनी रहेगी? ऐसा होता ही नहीं कभी। और पांच अंगुली है तो क्या पांच अंगुली को अलग अलग कर सकते हो आप? एक साथ है ना, हाथ का एक अवयव है ना, ये एक अवयव है, मतलब मनुष्य शरीर का एक अवयव है, तो अलग अलग नहीं कर सकते। और अलग अलग नहीं कर सकते, नहीं कर सकने पर भी अलग अलग है, मतलब एक दूसरे रूप नहीं है। इसी तरह प्रदेशों का है, और जिस तरह प्रदेशों का है कि तो उसी तरह परिणाम का है। अब एक एक समय की पर्याय अगर इतनी स्वतंत्र है कि वो अपनी ही पूर्व पर्याय रूप अथवा अपनी ही उत्तर पर्याय रूप नहीं होती, मतलब एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होती। अभी लघु अपन जो अगुण लघु गुण की परिभाषा पढ़ते हैं, वो तीन बिंदु तक तो अपन लोग पढ़ लेते हैं सब। क्या? जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहे। अब ये मूल परिभाषा इतनी, अब उस मूल परिभाषा को समझाने के लिए तीन बिंदु दिए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो, एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर करके अलग अलग नहीं हो। लेकिन इसमें और भी बातें जुड़ेंगी। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं हो, ये एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं हो क्यों नहीं लिया? ये कि कालाणु में और पुद्गल परमाणु में ये घटित नहीं होती। तो जिन द्रव्यों में घटित, बहुप्रदेशी द्रव्यों में तो घटित होगा कि नहीं होगा? हां? और एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं होगी, ये भी क्योंकि अकेला द्रव्य में अकेला द्रव्य और गुण ही है क्या? लेकिन पहले मोटा मोटा तो समझ में आ जावे। लघु सिद्धांत प्रवेशिका है वो, लघु सिद्धांत प्रवेशिका का मतलब क्या? कि शुरू से उसे इतनी बारीकी में ले जाओगे तो समझेगा ही नहीं, भग जाएगा। तो पहले द्रव्य गुण की बात की। लेकिन द्रव्य क्या अकेला द्रव्य और गुण ही है? पर्याय नहीं है द्रव्य में। तो फिर पर्याय में नहीं घटित होगी वो बात कि एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं हो। क्या द्रव्य के प्रदेश नहीं है? तो एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं हो, ये अगुण लघुत गुण में सब समाहित होता है। और ये ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, कोई आधार से कह रहा हूं, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका का ही एक विशाल संस्करण गुजराती भाषा में राजकोट से प्रकाशित हुआ है ना। और लघु सिद्धांत प्रवेशिका के जो मास्टर थे, समझ लो पढ़ाते थे गुरुदेव के जमाने में भी, हीराचंद मास्टर थे एक तो, और एक अपने चिमन भाई कामदार थे, है ना। तो वो जब लघु सिद्धांत प्रवेशिका में अगुण लघुत गुण की परिभाषा पढ़ाते थे तो ये सब बातें लगाते थे, और उस गुजराती की पुस्तक में ये सब बातें लिखी हुई है। एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरे, क्यों? क्योंकि जैसे एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, अगर हो जाए तो क्या होगा? हो जाए तो द्रव्य का द्रव्य बना जाता रहेगा। इसी तरह पर्याय में और प्रदेश में भी है, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप हो गई तो द्रव्य का अनादि अनंत प्रवाह जो है वो खंडित हो गया, काल 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 अपेक्षा से द्रव्य खंडित हो गया। और द्रव्य कैसा होना चाहिए? कि द्रव्येन खंडयामी काल क्षेत्रेन खंडयामी कालेन खंडयामी भावेन खंडयामी। 271 नंबर का समय सार का कलश है, और उस कलश के पहले 270 कलश के बाद और 271 कलश के पहले अमृतचंद्र आचार्य ने ये गद्य में लिखा है संस्कृत में। द्रव्येन खंडयामी क्षेत्रेन खंडयामी कालेन खंडयामी भावेन खंडयामी, तो मैं हूं क्या? शुद्ध चिदस्मी, अखंड शुद्ध चैतन्य मात्र वस्तु हूं। कि न जो द्रव्य से खंडित होता, न क्षेत्र से खंडित, न काल से खंडित, न भाव से खंडित, अखंडित है। माने गुण भेद करोगे तो तकलीफ, पर्याय भेद करोगे तो तकलीफ, प्रदेश भेद करोगे तो तकलीफ है ना। और द्रव्य ऐसा है तो द्रव्य में द्रव्यगुण पर्याय का भेद करोगे कि द्रव्य किसे कहते हैं तो उसका भेद करोगे, तो कहते ये सब करोगे तो सिर्फ और सिर्फ विकल्प होगा। यहां ये सब बता करके क्या बताना है
ये गुरुदेव श्री के प्रवचन में जब आप पढ़ोगे कम से कम 5-7 बार ये बात बोलेंगे वो, कि ये बता करके, इतना विस्तार बता करके कराना क्या है आचार्य को, कि पर्याय पर्याय का इतना विस्तार किया, प्रदेश एक प्रदेश दूसरे प्रदेश ये सब नहीं होता है, ये सब करके उनको करना क्या, कि जब एक कि जब तू इन इन सबको जान करके उस अभेद चैतन्य पर दृष्टि करना, इन भेद के विकल्पों में क्यों पड़ा रहता है ना, वो आचार्य देव को बताना है, सिद्ध तो वो करना है, लेकिन ये ज्ञान प्रधान शैली है ना, तो ज्ञान में पूरे द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था, और उस व्यवस्था को अलग अलग तरीके से तरानमय गाथा में भी बता दी थी व्यवस्था, सामान्य व्यवस्था तो तरानमय गाथा में बता दी थी है ना, उसी व्यवस्था को और थोड़ा सूक्ष्म रूप में लिया, कि जहां एक एक समय के परिणाम में भी उत्पाद हुए द्रव्य घटित किया, क्या मतलब इसका, कि अरे भैया एक एक समय का परिणाम भी स्व अवसर का सत है, ख्याल में उस एक समय के परिणाम को भी आगे पीछे करने की तेरी सामर्थ नहीं है, तू परिणाम की ओर से निश्चित हो जाकर पर्याय का क्या होगा, और पर्याय की ओर से निश्चित हुआ तो द्रव्य स्वभाव में झुक जाएगा, पर्याय के करने धरने के बिगड़, तो ये जो पर्याय की व्यवस्था का जो ज्ञान करा रहे हैं ना, ये पर्याय की व्यवस्था का ज्ञान पर्याय से निश्चिंतता का निश्चिंतता कराने के लिए करा रहे हैं, कि तेरे करने से पर्याय नहीं होगी, पर्याय तो अपने काल क्रम में होनी है वही होगी, कैसा मैं पहले ऐसा तो करूं, पहले कुछ नहीं, पूर्व पर्याय का उत्तर पर्याय से, उत्तर पर्याय का उसके आगे की पर्याय से कोई संबंध नहीं है, एक एक समय का परिणाम स्वतंत्र है, थोड़ी देर पहले हिरण को फाड़ करके खाने का परिणाम, शेर की पर्याय में महावीर भगवान का जीव है, मुनिराज को देखा आते हुए तो एकदम परिणामों में कैसी धारा चली, कि ये कौन है, मनुष्य के रूप में वो सामने आके खड़े हो गए, शेर का स्वभाव क्या, जब हिरण को फाड़ के खा रहा था वो, तो हिरण को फाड़ के खा सकता है, तो मुनिराज को फाड़ने में उसे क्या टाइम लगता, शेर है ना वो, तो वो उसको थोड़ी पता है कि मुनिराज है कौन है ये, है ना, लेकिन देखो उसके परिणाम में, उसके परिणामों का प्रवाह किस ओर मुड़ना था, उसके परिणामों का प्रवाह सम्यक दर्शन रूप होना था, तो सम्यक दर्शन होने के पहले की परिणामों की धारा कैसी चली, बोलो कि उन्हें उन मुनिराजों को देख करके उसे क्रोध नहीं आया, उन मुनिराजों को देख करके उसे भक्षण करने का परिणाम नहीं आया, उन मुनिराजों को देख करके उसके परिणामों में शांति आ गई, और जो ही मुनिराज ने उसको संबोधन दिया और एकदम से उस देशना को ग्रहण करके सम्यक दर्शन कर लिया, क्या है ये, थोड़ी देर पहले क्रूर हिंसा के परिणाम, थोड़ी देर बाद कैसे शांत परिणाम, और थोड़ी देर बाद सम्यक दर्शन के योग्य वितरागता के परिणाम, सम्यक दृष्टि को जितनी वितरागता होती है एक कसाई चौकड़ी के अभाव में, दो चौक त्रियंश है तो दो चौकड़ी भी हो सकती है, अभी क्या है ये सब, क्या है पूर्व पर्याय का उत्तर पर्याय से क्या संबंध है ना, अब ये बताओ अभी, और वो शेर मर करके जीवन भर उसने, वो तो एक उदाहरण अपन ने लिया, वो मुनिराज जिस समय आए उस समय तो वो हिरण को मार के खा रहा था, चलो उसके पहले तो अहिंसा व्रत का पालन करता होगा वो, मैंने उसने अपने जीवन में कितने हिंसक परिणाम किए होंगे और कितने जीवों को मारा होगा, बोलो ऐसे देखा जाए तो कितने क्रूर, ऐसा बोलते कि इतना क्रूर कि जिसको देखते ही जंगल के लोग कांपे, और एकदम शांत परिणाम, ये वस्तु व्यवस्था है, एक एक समय के परिणामों की स्वतंत्रता का इससे बढ़िया क्या उदाहरण होगा, राजा सैनिक कह लो मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने का परिणाम, 3 दिन बाद रानी को बताया है? और जाकर के क्या परिणाम आया, देखो पहले देखा धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया एकदम आश्चर्य का परिणाम, फिर परिणाम आया कि इन मुनिराज पर मैंने उपसर्ग किया तो इसका प्रायश्चित यह है कि मैं अपनी गर्दन काट कर मुनिराज के गले में चरणों में चढ़ा दूं, क्यों वो उससे ज्यादा सोच क्या सकता था, जैन धर्म का तो कुछ ज्ञान था नहीं उस समय तक, है ना, और जब मुनिराज ने कहा कि ये पाप का परिणाम है तो आश्चर्य हुआ कि ये कैसे जानते हैं ये बात, तो रानी चेलना ने कहा कि तुम्हारे पिछला वह भी जानते हैं अगला वह भी जानते हैं,
फिर वो सारा हुआ और वहीं पर सम्यक दर्शन लेकर के उठा। बोलो, एक ही जीवन में बौद्ध मत का कट्टर अनुयायी, जैन धर्म का कट्टर दुश्मन, साथ में नरक की आयु का बंद, उसी जन्म में मुनिराज के प्रति भक्ति, उसी जीवन में क्षायिक सम्यक दर्शन, उसी जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंध, उसी जीवन में भगवान महावीर की सभा का मुख्य श्रोता, और उसी जीवन में आत्महत्या करके मरने का परिणाम। बोलो, सम्यक दृष्टि है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो गया, आत्महत्या करने का परिणाम, जहर के ये फिर से मेरे को परेशान करेगा बेचारा। वो लड़का जब उसको जो भी हुआ था ना, कुणिक कुणिक, तो वो तो उसको जब उसकी मां ने उसे डांटा कि तू ऐसा था तब तेरे को हमने कचरे में डाल दिया था, तब तेरे पिताजी किस किस तरह तेरे, वो सब बताया उसको, तो एकदम पश्चाताप हुआ और उनको जेल से निकालने के लिए गया था, और उनने सोचा कि अभी और परेशान करेगा, हीरे की अंगूठी चूस करके मर गए। बोलो, और छाए, और ये भी नहीं कह सकते आप कि समय दर्शन खत्म हो गया होगा साहब, वो आत्महत्या का परिणाम आ गया तो उनको समय दर्शन खत्म हो गया होगा, छाई के समय दर्शन था, तीर्थंकर प्रकृति का बंध चल रहा था, और नरक में भी, जब तक अभी नरक में भी है ना, तो नरक में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध निरंतर चल रहा है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति है अगाध, तीर्थंकर प्रकृति ध्रुव बंदी प्रकृति है, एक बार बंधने के बाद इसका बंध निरंतर चलता है। बोलो, नरक के परिणाम, नारकी के परिणाम, और उधर तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी चल रहा है, अभी क्या करेंगे, पर्याय की स्वतंत्रता कैसी कैसी है, विचार तो करो जरा, ऐसे थोड़ी लिख दिया आज शास्त्रों में। ये जो द्रव्यान योग के सिद्धांत हैं, इन द्रव्यान योग के सिद्धांतों का प्रमाण अगर अपने को चाहिए तो प्रथमान योग में मिलता है। बोलो क्या है, सैकड़ों उदाहरण है, ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, वो तो पूरे प्रथमान योग लेकर के अपन बैठ जाएं तो भी 10 दिन तक ये कथा पूरी नहीं होगी, इतने 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 उदाहरण हैं, क्या है, है ना। तो ये एक एक तो वही कह रहे, वो लास्ट में क्या कहा उन्होंने, तो उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण क्या है कि परिणाम होगा, परस्पर व्यतिरेक है, यहां तक बात हुई थी अपनी, है ना। अब अपन ने जो सम्यक प्रवाह का कल पढ़ा था, बहुत अच्छा था वो, उसमें जितना आया था देखिए, उससे बहुत अच्छा एक बिंदु उसमें आया था, कल अपनी यहां तक चर्चा आई थी, गुरुदेव श्री के प्रवचन में चल रहा था ये आ गया था ना, यहाँ गेय है आचार्य देव, ये कल आया था ना लास्ट में, आचार्य देव ने प्रत्येक गाथा में वीतरागी बर्फी के परत लगाए हैं, है ना। मैं आपसे सच बोलता हूं कि मुनिराजों की जिस भाषा में महिमा होनी चाहिए वो गुरुदेव के अलावा आप कहीं ढूंढ के ला दो, अभी किसी के किसी प्रवचनकार के प्रवचन में नकल से भी बोल के दिखा दे कोई, वीतरागी बर्फी के परत जमाए हैं, सैकड़ों, ऐसे एक नहीं सैकड़ों आए हैं। आगे देखो, समय सार के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में, अभी देखो ये एक शैली की विशेषता है कि यही प्रकरण समय सार में भी आया, क्या कि द्रव्य अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ क्रमबद्ध परिणामों से, ये प्रकरण आया, तो वहां के प्रकरण में यहां के प्रकरण में क्या अंतर है, वो साथ में ले रहे हैं वो, कि समय सार के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में द्रव्य अपने क्रमबद्ध परिणाम से उत्पन्न होता है, यह बात करके वहां सम्यक दर्शन का संपूर्ण विषय समझाया है, आया द्रव्य दृष्टि कराई है, सम्यक दर्शन का विषय समझाया मतलब क्या कि द्रव्य दृष्टि कराई, परिणाम अपने परिणामों से उत्पन्न होता है, तू जब ऐसे द्रव्य का निर्णय करने जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करने जाएगा, तेरी दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पर जाएगी, द्रव्य कैसा कि अपने क्रमबद्ध परिणामों से उत्पन्न होता है, तो परिणामों की क्रमबद्धता का निर्णय करने वाले की दृष्टि ज्ञायक स्वभाव पर, तो वो द्रव्य दृष्टि का विषय वहां पर बताया, और यहां ज्ञान प्रधान कथन है, तो इसमें समस्त द्रव्य परिणमन स्वभाव में स्थित है, द्रव्य कहां स्थित है, द्रव्य कहां है, द्रव्य कहां मिलेगा कि द्रव्य कहां मिलेगा का परिणमन स्वभाव में स्थित है, ये यहां पर ये बताया, ऐसा कहकर पूर्ण ज्ञान और पूर्ण ज्ञेय बतलाए हैं, ज्ञान भी कल चर्चा चली थी थोड़ी,
ज्ञान का स्वभाव ज्ञेय को जानना और ज्ञेय का स्वभाव ज्ञान में ज्ञात होना। ज्ञान में ज्ञात नहीं होवे तो उसे ज्ञेय कौन कहे, और जाने नहीं तो उसे ज्ञान कौन कहे। विश्व में जो जो भी ज्ञेय है, ज्ञान उन्हें जानने से इनकार नहीं कर सकता, है ना। हमारी छद्मस्त की बात छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, हमारे ज्ञान में बहुत से ज्ञेय नहीं भी आते हों, केवल ज्ञानी भगवान को। विश्व का कौन सा ज्ञेय ऐसा है जो उनके ज्ञान में नहीं आता, और केवल ज्ञानी भगवान किसी ज्ञेय का निषेध कर सकते हैं कि नहीं इसको नहीं जानूंगा मैं, तो इसको नहीं जानूंगा यह कहकर के भी तुमने उसे जान ही लिया, मैं इसे नहीं जानूंगा तो यह जान करके निषेध किया है कि बिना जाने निषेध किया है। नहीं आया समझ में, क्या कहा मैं इस टेबल को नहीं जानूंगा, तो तुमने टेबल को जान करके निषेध किया कि नहीं जान करके निषेध किया बताओ। मैंने नहीं जानूंगा यह कहकर के भी तुमने जान लिया, क्योंकि ज्ञान का स्वभाव ज्ञेय को जानना है। अग्नि होती है ना, अग्नि, अग्नि किसे कहते हैं, अग्नि माने दहन, अग्नि माने दहन। और ईंधन माने दाह्य, तो अग्नि किसे कहते हैं कि जो भी दाह्य है जलने योग्य को जलावे उसका नाम अग्नि। बोलो, जलने योग्य पदार्थ है और वहां अग्नि है तो वो अग्नि भेद करेगी ऐसा कि नहीं नहीं ये बहुत कीमती चीज है भैया बहुत नुकसान हो जाएगा इसे नहीं जलाना। बोलो ऐसा भेद करती अग्नि है, अरे ये गंदी चीज है जलाओ जलाओ, ये लोग भी फेंकने वाले थे तो मैं जला दूं। कि जिस तरह अग्नि जलने योग्य पदार्थों में दो भेद नहीं करती, जलने योग्य है बस उसके लिए इतना पर्याप्त है, तो जलने योग्य वो कीमती है कि बिना कीमती है, कुछ भी हो जलने योग्य को जलाना। तो ज्ञान में ज्ञान का स्वरूप क्या, कि ज्ञान का स्वरूप जानने योग्य को जानना। उसमें ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा किस लिए, ऐसा किस, ये कोई प्रश्न ज्ञान की ओर से ज्ञान नहीं खड़े करता। ज्ञान का स्वरूप जानना है, दर्पण का स्वरूप प्रतिबिंबित करना है, किसको, कि जो भी प्रतिबिंबित होने योग्य हो उसको, जो भी आएगा सामने उसको प्रतिबिंबित करेगा। ऐसा नहीं होगा ना कि कोई करोड़पति निकल रहा है तो उसे दर्पण प्रतिबिंबित कर रहा है और उस समय कोई झाड़ू वाला निकल गया गंदगी का उस लेकर के, तो कहेगा एक करोड़पति को पहले निकलने दे, तू गंदा आदमी क्यों आ रहा है इधर। दर्पण ऐसा करता है क्यों नहीं करता, क्योंकि उसका स्वभाव प्रतिबिंबित करना है। ये करोड़पति है कि रोड़पति है इससे उसे कोई लेना देना नहीं, ज्ञान का स्वभाव जानना है। ज्ञान में जानने योग्य पदार्थों में दो भेद करना यह अज्ञानी का, अज्ञानी की कल्पना है, क्योंकि ज्ञेय में दो भेद होते ही नहीं, ज्ञेय तो ज्ञेय होता है। आगे देखिए, ऐसा कहकर ज्ञान पूर्ण ज्ञेय बतलाए हैं, ऐसे सर्व ज्ञेयों के स्वभाव, सर्व ज्ञेयों की बात आई ना, विश्व के सभी द्रव्यों का यह स्वभाव है। माने यहां पर देखो समय सार में क्या था, जीव अपने क्रमबद्ध परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, वहां अकेले जीव की बात की, और यहां का सभी द्रव्य अपने परिणाम स्वभाव में स्थित है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब यह कि सभी द्रव्य अपने परिणाम स्वभाव में स्थित हैं, तो मतलब तू भी अपने परिणाम स्वभाव से बाहर नहीं गया। समझ में आ गया नहीं आ गया, तो यहां सबके साथ में आत्मा को रखा, मैंने सबको जान करके आत्मा को जान लेना, कि जैसा तेरा स्वभाव ऐसा विश्व के हर द्रव्य का स्वभाव, जैसे तू अपने उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव में स्थित, वैसे विश्व का हर द्रव्य अपने उत्पाद वे द्रव्य स्वभाव में स्थित। मैंने सबको जान करके अपने को निकालना, अलग, सबको जान करके अपने को उससे भिन्न निकालना, यह ज्ञान प्रधान शैली, और सीधे सीधे अपने को जानना है दृष्टि प्रधान शैली। नहीं, 5000 पोस्ट कार्ड, 5000 डाक आई हो पोस्ट ऑफिस में, हमने डाक वाले से पूछा कि हमारी कोई रजिस्ट्री आई क्या, तो उसने कहा भाई साहब आई तो है, कि ला कि ये ढेर रखा है आप छांट लो इसमें से। तो उन 4000 में से अपनी कितनी रजिस्ट्री है, एक, 4999 अपनी नहीं है,
तो 4999 को जान करके क्या जानना है कि ये मेरी नहीं है, है ना, और एक अपनी है उसको उठा लेना है। और एक एक ये है कि डाक वाले ने अपने नाम की निकाल करके रखी, उन्होंने कहा भाई साहब ये लीजिए, बस समय सार वो डाक वाला है और प्रवचन सार आगे समझ में ना कि वो ढेर वाला है। एक ज्ञान प्रदान शैली है कि इसमें से आपको अपनी चीज निकालनी पड़ेगी, और वो दृष्टि प्रदान शैली है कि हमने निकाल करके रख दिए, तुम मेहनत मत करो, तुम तो इसको पचाओ। ये है समय सार की शैली। तो थोड़ी मेहनत करके थोड़ा मेहनत करके पचाना, ये प्रवचन सार में थोड़ी मेहनत, थोड़ी माथे की कसरत होगी इसमें। और समय सार में क्या होगा कि सीधी सीधी त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा, ज्ञायक भाव आत्मा है, प्रमत्ता प्रमत्त नहीं है, वहां सीधा ज्ञायक भाव बताया जाएगा। यहां ज्ञायक भाव तो यहां भी बताया जाएगा, लेकिन यहां उस ज्ञायक भाव को हमें छांटना पड़ेगा। बस ये शैली है दोनों की, ये गुरुदेव ने इसमें बताया। हाँ देखो आया तो आया, ऐसे सर्व ज्ञेयों का स्वभाव और उन्हें जानने वाले ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करना आ गया। प्रत्येक आत्मा और प्रत्येक परमाणु धर्मास्तिका आदि द्रव्य पृथक पृथक स्वयं सिद्ध पदार्थ है। विश्व का कौन सा पदार्थ है जिसको किसी भगवान ने बनाया? जैन दर्शन के हिसाब से कोई है ही नहीं। सामान्यतया देखने पर उस द्रव्य का क्षेत्र अखंड एक है। अब आ रहे हो टीका पर। सामान्यतया अगर आप देखेंगे तो हर द्रव्य का क्षेत्र अखंड एक है ना। तथापि उस क्षेत्र के विस्तार का जो सूक्ष्म अंश वह प्रदेश है, छह द्रव्यों में से, अब देख लो अलग कर रहे हैं उनको, परमाणु को और कालाणु को, छह द्रव्यों में से परमाणु और काल का क्षेत्र तो एक प्रदेश ही है। तो एक प्रदेश ही है तो उसका विस्तार क्या? मैं जैसे किसी का एक बेटा है तो उससे पूछे भैया तुम्हारा बड़ा भाई कि मैं ही, कि तुम्हारा मझला भाई कि मैं ही, कि तुम्हारा छोटा भाई कि मैं ही, क्या मतलब इसका? कि बड़ा समझो तो मैं, मझला समझो तो मैं, छोटा समझो तो मैं, क्योंकि मैं अकेला हूं। तो जो एक प्रदेशी है उनकी तो बात ही नहीं है, वो तो उनका तो कोई विस्तार होता ही नहीं है। छहों द्रव्यों में से परमाणु और काल का तो एक प्रदेशी है। आत्मा का असंख्य प्रदेशी क्षेत्र है, वह समग्रपने द्वारा एक होने पर भी, मैंने देखो ऐसे तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश का भी है, लेकिन अपने को तो अभी आत्मा से गुरुदेव शुरू कर रहे हैं। आत्मा को मुख्य रख करके समझना है। समग्रपने द्वारा एक होने पर भी उसका अंतिम अंश माने सूक्ष्म, जिसका फिर दूसरा अंश आप नहीं कर सको, क्या कहा? विस्तार आया था ना, विस्तार, तो विस्तार में जो उसका जो दूसरा अंश आप नहीं कर सको, उस दूसरा अंश नहीं कर सको, उसका नाम है प्रदेश। इस प्रकार यहां क्षेत्र का दृष्टांत है और सिद्धांत रूप से वस्तु के उत्पाद वे द्रव्य परिणामों को समझाना है। जिस प्रकार असंख्य प्रदेशी विस्तार एक साथ लेने से, एक साथ ज्ञान में लो, ज्ञान में खड़ा करो, एक साथ असंख्य प्रदेशी विस्तार अपने ज्ञान में खड़ा करो, तो लेने से द्रव्य का क्षेत्र एक है, उसके टुकड़े हैं नहीं है, है ना। देखो अभी ऐसे भी समझ सकते हैं अपन कि भारत देश, तो भारत देश का एक अखंड है कि नहीं प्रदेश, मतलब एक इस विश्व में भारत देश है, तो भारत देश की जो सीमा है वो अखंड है कि खंड खंड है? कि अखंड होने पर भी ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, ये उड़ीसा है, ये बंगाल है, राजस्थान में भी ये भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये कोटा डिस्ट्रिक्ट है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये भेद है कि नहीं? ये भेद होने पर भी उनकी अखंडता कायम है कि नहीं? देश की अखंडता कायम है कि नहीं? अखंडता कायम होने पर भी भेद है कि नहीं? अगर भेद सर्वथा ही नहीं होते तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात ये आप नहीं समझ सकते थे, और ये यही सब कुछ होते तो भारत टुकड़ों में बट गया होता। भारत टुकड़ों में बटा भी नहीं है, आ गया, भारत टुकड़ों में बटा भी नहीं है और भारत में टुकड़े भी हैं। कैसी विचित्र बात है, नहीं है टुकड़े,
ये राजस्थान का टुकड़ा है, राजस्थान का माल अगर एमपी में जाएगा तो टैक्स देना पड़ेगा, ये है कि नहीं व्यवस्था है। और ये कहे कि भारत में किसी भी जगह माल जाएगा, एक जगह अगर तुमने टैक्स दे दिया, कहीं भी तुम ले जाओ तो तुम ऑल इंडिया कहीं भी माल लेकर के चले जाओ, कोई रोकेगा नहीं। होता नेशनल परमिट, गाड़ी का नेशनल परमिट होता है, तो क्या होता है कि किसी भी भारत, भारत की किसी भी सड़क पर आप चलाइए, कोई तकलीफ नहीं। और अगर ऑल राजस्थान परमिट है तो राजस्थान के बाहर अगर एमपी में घुस भी गए तो टैक्स भरो, और नहीं भरोगे तो पकड़े जाओगे, है ना। अब वो कहे कि जी हम तो भारत के नागरिक हैं, भारत की सड़क पर तो चला रहे। भाई भारत की सड़क पर तो चला रहे हो, लेकिन राजस्थान का टैक्स भरा है, एमपी की सड़क पर कैसे चला रहे हो? तो ये भेद भी है, और ऐसा भेद नहीं है जैसा दो देशों के बीच में भेद है। समझ आ गया नहीं आ गया? आगे समझ में कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान में भेद है, ऐसा भेद राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, इनमें ऐसा भेद नहीं है। दो देशों जैसा भेद नहीं है, और एक देश में भेद नहीं है, ऐसा नहीं है, है ना। तो द्रव्य में प्रदेश भेद कैसा है कि दो द्रव्यों में जैसे प्रदेश भेद है, एक जीव के प्रदेश दूसरे जीव के प्रदेश नहीं है, एक जीव के प्रदेश धर्म द्रव्य के प्रदेश नहीं है, दो द्रव्यों के प्रदेश जैसा भेद नहीं, और राजस्थान और गुजरात जैसा भेद तो है ही, तभी तो असंख्यात प्रदेशी सिद्ध होंगे। नहीं तो असंख्यात प्रदेश सिद्ध कैसे करोगे आप, अगर एक प्रदेश दूसरे प्रदेश रूप होगा तो। ये कह रहे हैं वो, आगे समझ में ना। अभी ये प्रदेशों का तो समझ में आ जाता है, जब भी परिणामों की बात आती है ना तब थोड़ी बारीक पड़ती है। इसलिए आचार्य ने सरल दृष्टांत से सूक्ष्म सिद्धांत की चर्चा की है। आया द्रव्य का उसी प्रकार प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंत परिणमन धारा, देखो क्या धारा ली यहां पे, परिणमन धारा, परिणमन धारा, परिणमन धारा। तो किस समय परिणमन धारा नहीं है? परिणमन धारा कैसी है? परिणमन एक एक समय का होगा, ध्यान से समझना। वृत्ति शब्द का प्रयोग किया ना, तो वृत्ति कहो कि धारा कहो, एक ही बात है कि परिणमन एक एक समय का होगा, लेकिन परिणमन धारा कैसी है? अविच्छिन्न धारा है। कैसी धारा है ये? कि इस धारा में एक समय का भी अंतर नहीं पड़ता। अगर एक समय का अंतर पड़ेगा तो क्या होगा, बोलो? एक समय का अंतर पड़े तो क्या होगा कि द्रव्य के दो टुकड़े हो जाएंगे। 10 मीटर का एक कपड़ा है, उदाहरण में समझो, तो 10 मीटर का सलंग है ना, वो सलंग है ना, तो उस 10 मीटर में सेंटीमीटर है कि नहीं, उस 10 मीटर में वो क्या कहते हैं, इंच है कि नहीं, उस 10 मीटर में फिट है कि नहीं, कि सब कुछ होने पर भी ऐसा भेद है? नहीं है भेद उसमें। नहीं नहीं, अब उसमें कोई बीच में कोई टुकड़ा करे, बीच में कटिंग कर दे उसकी, 5 मीटर के बाद उसकी कोई कटिंग कर दे, तो वो एक कपड़ा हुआ कि दो कपड़े हो गया, तो अखंडता कहां रही उसकी? तो ऐसे ही जो परिणमन धारा है ना, कि वो परिणमन धारा तो अनादि से लेकर अनंत काल तक है, उस अनादि से अनंत काल तक की परिणमन धारा एक, और उसका नाम है त्रिकाली, काल अपेक्षा से नित्य, द्रव्यार्थिक नय का विषय, और उसमें समग्र पने के द्वारा एक है। और उसमें जब हम एक एक समय का भेद खड़ा करते हैं, तो अभी 10 मीटर का कपड़ा, इसी उदाहरण को ऐसे समझोगे, 10 मीटर का कपड़ा है, एक आदमी आया कि भाई साहब मुझे कुर्ता सिलाना है, कि ठीक है तेरे को 3 मीटर दे देंगे। दूसरा आया कि भाई साहब मुझे शर्ट सिलाना है, तो उसमें जितना लगता होगा 2 मीटर जो भी लगता हो, मुझे पता नहीं है, तो वो लगता होगा कि इतना दे देंगे। ये भेद किसमें किए तुमने? कि उस 10 मीटर के टुकड़े में आपने ये कुर्ते का कपड़ा 3 मीटर, शर्ट का कपड़ा 2 मीटर, सफारी सूट का कुर्ता कपड़ा के पेंट और शर्ट दोनों का हो गया कि 5 मीटर, समझ लो जो भी लगता हो वो उसमें, उसकी प्रमाणिकता में मत जाना, ठीक है ना। तो इसी तरह एक एक समय का भेद खड़ा किया हमने तो ये परिणाम, और एक एक समय का भेद खड़ा नहीं किया तो परिणमन धारा, परिणमन धारा अनादि अनंत, द्रव्यार्थिक नयिका विषय। एक एक समय का भेद खड़ा करना पर्याय,
पर्यायार्थिक न्याय का विषय आ गया। हाँ, ये है इसमें अंतर, इतना समझना। देखो कितना बढ़िया लिया है ये, कि प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंत परिणमन धारा समग्र पने के द्वारा एक है, और उस संपूर्ण प्रवाह का छोटे से छोटा एक अंश, छोटे से छोटा एक अंश जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सके, अंतिम अंश बोलेंगे उसे, तो उसका नाम है परिणाम माने पर्याय। एक समय की होती है ना, अब एक उसका, अब उसका टुकड़ा करो तुम, नहीं कर सकते ऐसा। प्रत्येक परिणाम को पृथक किए बिना, क्या मतलब कि प्रत्येक परिणाम को पृथक किए बिना, जहां परिणाम को पृथक नहीं किया वहां क्या क्या दिखेगा आपको, कि परिणाम को पृथक नहीं किया, परिणाम को पृथक लक्ष्य में नहीं लिया, तो अनादि अनंत त्रिकाली दिखेगा, और परिणाम को पृथक किया तो एक एक समय का पर्याय दिखेगी। इसमें समय सार में, इसमें जैसे मोती की माला होती कि नहीं, मोती की नहीं, ये सूत की माला आ रहा है, इसमें आ रहा है, वो तो आ रहा है, वो मुझे भी ख्याल में है, लेकिन अभी जो सुनो, जो कुछ कह रहा हूं तो कोई उद्देश्य से कह रहा हूं, कि सूत की धारा, सूत की जो डोरी होती है ना, तो वो सारी सूत की आपके अपने यहां माला टंगी है, तो वास्तव में ये क्या है, वास्तव में देखो सलंग रूप से देखो तो क्या है, ये सूत है, सूत है, पूरा का पूरा सूत है, और उसमें एक एक गांठ, एक एक गांठ, एक एक गांठ, तो एक एक गांठ को देखोगे, गांठ को देखोगे तो मोती है, और गांठ को गौण कर दिया आपने, गांठ को नहीं देखा तो पूरे में क्या है बोलो, सूत है। सूत वो समग्रता है, क्या कहा, सूत वो समग्रता है, और एक एक मोती कि वो सूत के उस समग्रता में एक एक का भेद है, भेद है वो पर्याय है, और समग्रता है वो द्रव्य है। आया समझ में, अभी कुछ आया समझ में, है कुछ नहीं, सूत की माला को यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं गांठ, गांठ का मतलब क्या होता है, ए यूं 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 कर दिया, गांठ हो गई, तो गांठ में है क्या, वहां गांठ में क्या है, कि गांठ देखोगे तो मोती दिखेगा ना, और गांठ नहीं देखा तो आपको सूत दिखेगा। आ गया, बहुत अद्भुत है, देखने का नजरिया है और कुछ नहीं है। देखो वस्तु वो की वही है, वस्तु द्रव्यगुण पर्याय से बाहर नहीं है, लेकिन वस्तु को देखने के नजरिए से मिथ्या दृष्टि, और वस्तु को देखने के नजरिए से समय दृष्टि, बोलो आप, समग्रता की दृष्टि और समय दर्शन, और एक एक समय के परिणाम की दृष्टि मिथ्या दृष्टि, वस्तुओं की वही है, देखने का नजरिया अपना है भाई, है ना। यहां जो मोती का दृष्टांत देंगे ना, वो अलग है, वो एक एक समय के परिणाम उत्पाद वे द्रव्य घटित करेंगे, तो पहला मोती, दूसरा मोती, पहला मोती, वो उस रूप में लिया है, और जो मैं दृष्टांत दिया है वो अलग, उसका अलग सिद्धि है उसकी। आ गया ना, अंतर समझ में आया उसमें। अभी देखो, तो ये आ गया, अनादि अनंत धारा समग्र पने के द्वारा एक है, और उस संपूर्ण प्रवाह का छोटे से छोटा अंश, संपूर्ण प्रवाह का, ये शब्द ध्यान देना, संपूर्ण प्रवाह का अंश है वो, अकेला प्रवाह नहीं है, संपूर्ण प्रवाह का एक छोटे से छोटा अंश। वो क्या हुआ, सो परिणाम है, मतलब क्या हुआ कि काल खंड का नाम पर्याय है, और काल की अखंडता का नाम द्रव्य है, इतना लेना। प्रत्येक परिणाम को पृथक किए बिना, ये गुरुदेव के शब्द पढ़ रहा हूं, प्रत्येक परिणाम को पृथक किए बिना समग्र रूप से द्रव्य के अनादि अनंत प्रवाह को देखने पर वह एक है। आगे बस सुनने, एक है, और एक है इसलिए विकल्प नहीं है, क्योंकि एक में कोई विकल्प नहीं होता। आपके पास कि भाई साहब ये आपको चाहिए, हमारे पास एक पीस है आपको चाहिए, आप खरीदने गए भाई साहब हमको दिखाओ, कि दिखाना क्या है,
बस ये अंतिम फीस एक फीस बचा है और लाइन में लगे 50 लोग आपके पीछे, उन 50 और खड़े हैं अभी, फटाफट बोलो। तो एक है तो कोई विकल्प नहीं है, और दो हो तो ये लूं कि ये लूं, 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 क्या मतलब हुआ कि भेद हुआ तो विकल्प, और एक हुआ तो कोई विकल्प नहीं है ना। तो ये द्रव्य का जो अनादि अनंत पना है ना, तो अनादि अनंत प्रवाह को देखने पर वह एक है, वहां कोई विकल्प नहीं थे। और अनादि निगोद से लेकर, कहां से लिया, अनादि, पहले ध्यान देना सब एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, निगोद नहीं लिया अकेला, अनादि निगोद, क्योंकि जीव अनादि काल से कहां से था, नित्य निगोद से निकला है। जो भी जीव त्रस पर्याय में आया, गुरुदेव की भाषा में कहें तो सभी जीवों का पीहर कौन है, तो कहते हैं निगोद है सबका पीहर, निगोद से निकले हैं। तो अनादि निगोद माने नित्य निगोद से लेकर अनंत सिद्ध दशा तक का परिणमन प्रवाह एक ही है। क्या मतलब भाई, स्वरूप माने अनादि से कौन सी दशा थी कि निगोद, और अंतिम दशा कौन सी होगी, कैसा वो तो भव्य की होगी, फटाक से लोग बोले सिद्ध दशा वो भव्य की होगी, तो मैंने कहा अपना भव्य है क्या, नहीं ये क्यों नहीं अंदर से जोर उछलता कि ये सिद्ध दशा कि मेरी दशा होगी, ये क्यों नहीं जोर आता अंदर से, अभव्य की थोड़ी होती है। तो मैं कहा तुम अभव्य हो क्या, है ना। तो अंत आगे क्या लिया कि अनंत कि सिद्ध को ये निगोद दशा कब से थी, कि अनादि से थी, वहां से लेकर मतलब सभी आगे 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 जो जो जो, जो भी दशाएं आई 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 आई, और अंतिम क्या होगी, अंतिम होगी तो सिद्ध दशा, माने अनादि दशा निगोद थी वो बदलेगी नहीं, क्योंकि अनादि से सबकी दशा निगोदी थी, है ना। और अंतिम दशा अगर सबकी होगी, अपन अभव्य की बात नहीं कर रहे, तो अंतिम दशा कौन सी होगी कि सिद्ध दशा होगी, उसके बाद दशा बदलेगी नहीं, सिद्ध दशा सिद्ध दशा सिद्ध दशा। वो कहते हैं कि इनमें तुम निगोदिया एक इंद्रीपना दो ये सारे भेदों को मत देखो, इन सारे भेदों को नहीं देखोगे तो क्या है कि द्रव्य का परिणमन प्रवाह एक ही है। क्या है वो, परिणमन 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 परिणमन। देखो इसी को और समझो थोड़ा, मैंने पहले बोला था बहुत बारीक विषय है, समझने जैसा विषय है। देखो एक आत्मा का लक्षण उपयोगो लक्षणम कहा ना, तत्वा सूत्र में आया, क्या कहा, उपयोगो लक्षणम, अभी उपयोगो लक्षणम इसी बात को सिद्ध करने के लिए बता रहा हूं आपको। उपयोगो लक्षणम का मतलब क्या है कि जीव का निर्दोष लक्षण है, ठीक है ना, कैसा लक्षण है ये, जीव का निर्दोष लक्षण है, बराबर। तो इसको दो तरह से लेते हैं, एक तो गुण रूप भी लेते हैं और एक परिणमन रूप भी लेते हैं, क्योंकि परिणमन रूप लक्षण में भी लक्ष्य प्रसिद्ध होता है। तो अभी निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक सभी जीवों का लक्षण क्या है, सभी जीवों का लक्षण क्या है, उपयोग उपयोग लक्षणम, क्या क्या लक्षण है, उपयोग लक्षणम। तो भाई हमारे में से एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या आप किसी बातें करते हो, कहां निगोदिया जीव को अक्षर के अनंत में भाग ज्ञान का उगाड़, और कहां सिद्ध भगवान को केवल ज्ञान। मैं कहते हैं हमने नहीं कहा कि भाई साहब हमने लक्षण क्या बताया आपको, उपयोगो लक्षणम, हमने कहा मति ज्ञान लक्षण, हमने कहा श्रुत ज्ञान लक्षण, हमने कहा अवधि ज्ञान लक्षण, हमने कहा मन पर्याय ज्ञान लक्षण, हमने कहा केवल ज्ञान लक्षण। अरे तुम इन पांच ज्ञानों में से कोई सा भी ज्ञान जीव का लक्षण बनाओ, अव्याप्ति दोष आएगा, नहीं आएगा अव्याप्ति दोष। केवल ज्ञान लक्षण बनाओगे तो अरंत सिद्ध के अलावा सब अजीव सिद्ध होंगे, मति और शुद्ध ज्ञान लक्षण बनाओगे तो अरंत और सिद्ध अजीव सिद्ध होंगे, है ना, और अवधि और मन पर्याय ज्ञान लक्षण बनाओगे तो बहुत से संसारी और सिद्ध अरंत सब अजीव सिद्ध हो जाएंगे। लेकिन उपयोग लक्षणम कि मति ज्ञान हो, सुत ज्ञान हो, अवधि ज्ञान हो, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान हो, आप एक बोर्ड पर पांचों ज्ञानों के नाम लिख दो,
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान। ठीक है, अब मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय और केवल, इस पे लगाओ डस्टर। अभी क्या बचा, क्या बचा? मति ज्ञान है, वो भी ज्ञान है, जानन 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 भाव है, श्रुत ज्ञान भी ज्ञान है, जानन भाव है ना, अवधि ज्ञान भी ज्ञान है, जानन भाव है, मन परे ज्ञान भी ज्ञान है, जानन भाव है, और केवल ज्ञान भी ज्ञान है, जानन भाव है। जानन पना किस ज्ञान में नहीं है, बोलो? तो वो जो जानन पना है, कि वो जानन पना कॉमन है, और उस जानन पना जीव का स्वभाव है, मति ज्ञान जीव का स्वभाव नहीं है। क्योंकि मति ज्ञान तो कर्म की अपेक्षा से नाम मिला है, जानन पना ये कौन से कर, किसकी सापेक्षता आई इसमें बताओ जरा, जानन पने में किसकी सापेक्षता आई? मति ज्ञानावरण की, श्रुत ज्ञानावरण की, अवधि ज्ञानावरण की, मन परे ज्ञानावरण की, केवल ज्ञानावरण की? बोलो किसके अभाव या उनकी अपेक्षा आई? जानन माने सीधा ज्ञान का परिणमन। क्या कहा? मति, मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञानावरणी कर्म से कोई लेना देना नहीं। जानन माने सीधा ज्ञान का परिणमन, ज्ञान का परिणमन ज्ञान रूप होता है, ज्ञान माने जानन स्वभाव, तो जानन स्वभाव का परिणमन जानन रूप हुआ, वो जानन रूप परिणमन जीव का स्वभाव है। वो जानन रूप परिणमन को जब आप मुख्य करते हो, तो जानन रूप परिणमन की धारा निगोज से लेकर सिद्ध तक एक जैसी है। क्या कहा, क्या कहा? निगोज से लेकर सिद्ध तक एक जैसी है, लेकिन हमारी आदत खराब है। हमारी आदत क्या है, वो निगोज या को तो अक्षर के अनंत भाग ज्ञान का उघाड़ है। मैंने कहा कितना है तुमको मापने के लिए मीटर नहीं पकड़ा रखा। आचार्य कहते जानन स्वभाव को जानन रूप परिणमन से देखो आप, तो निगोदिया में भी जानन रूप परिणमन दिखेगा और सिद्ध में भी जानन रूप परिणमन दिखेगा, और वो जीव का लक्षण है, उसके द्वारा जीव की पहचान होती है। अरे सिद्ध दशा में हो चाहे निगोद दशा में हो, जानन 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 रूप परिणमन की धारा हर जीव में निरंतर चलती है। इसलिए ये जानन रूप परिणमन ज्ञान का पर्याय अपेक्षा से पारनामिक भाव। क्या कहा फिर से, क्या कहा, क्या कहा? ज्ञान का जानन रूप परिणमन ज्ञान का पर्याय अपेक्षा से पारनामिक भाव। क्यों? क्योंकि इसमें हमने मति, श्रुत, अवधि, मन पर्याय, केवल ज्ञान की कोई अपेक्षा नहीं लगाई, निरपेक्ष ज्ञान जानन भाव को देखा है ना। वो निरपेक्ष भाव, निरपेक्ष स्वभाव का लक्षण बनेगा। ये परिणमन है ना, ये परिणमन धारा है ना, कि ये परिणमन, ये जो जानन रूप परिणमन है, कि ये जानन रूप परिणमन जो कि पर्याय रूप पारनामिक भाव है, पर्याय रूप पारनामिक है, कि ये उस द्रव्य रूप पारनामिक को प्रसिद्ध कर रहा है। इसलिए आचार्य भगवान ने 17-18 नंबर की गाथा में कहा, आबाल गोपाल सबको सदा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा स्वयं ही जानने में आने पर भी। अरे जानन रूप उस परिणमन में ज्ञान स्वभाव ही प्रसिद्ध हो रहा है। अभव्य को भी, निगोदिया को भी, गुरुदेव श्री का नैरोबी का प्रवचन सुनो, अज्ञानी को भी, निगोदिया को भी, मिथ्या दृष्टि को भी आत्मा ही जानने में आ रहा है। फिर समय दर्शन क्यों नहीं होता? तो आत्मा जानने में आ रहा है ऐसा वो मानता नहीं है, इसलिए नहीं होता। माने तो अभी समय दर्शन हो, ये है बात। अभव्य को भी, निगोदिया को भी ऐसा लिया उन्हें, निगोदिया को भी पारनामिक, क्योंकि वो जो जानन रूप पारनामिक है, वो जान, वो ज्ञान स्वभाव रूप पारनामिक को प्रसिद्ध करता है। पारनामिक का लक्षण क्षोभ सम नहीं हो सकता। ज्ञान स्वभाव कैसा है महावीर जी? पारनामिक भाव है, औपसमिक भाव है? पारनामिक भाव है। तो पारनामिक का लक्षण कौन सा होगा? पारनामिक का लक्षण पारनामिक होगा। तो अब प्रश्न ये कि वो पारनामिक, तो और ये जो लक्षण होता है वो प्रकट होना चाहिए। क्या कहा? व्यक्तिरूप होना चाहिए। तो व्यक्तिरूप पारनामिक कैसे बताओगे आप? कि व्यक्तिरूप पारनामिक है जानन 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 धारा, त्रिकाल जानन धारा। एक समय के लिए भी जानन धारा का अभाव नहीं हुआ। अगर एक समय के लिए भी जानन धारा मिट जाए, आत्मा जड़ हो जाएगा। इसलिए जानन भाव को लक्षण कहा, इसका नाम उपयोग लक्षण। तो जैसे वहां जानन धारा निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक मति, श्रुत, अवधि, ज्ञान, मन पर्याय के भेदों को आप
दृष्टि गोचर ना करो तो एक रूप जानन धारा है। इसी तरह ये अनादि से लेकर अनादि निगोस से लेकर अंतिम सिद्ध दशा तक के पर्याय, इसके बाद तो कोई पर्याय बदलेगी नहीं, कि इन समग्र पर्यायों को दृष्टिगोचर ना करो तो ये एक परिणमन 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 परिणमन। कैसा परिणमन ये मत पूछो, परिणमन है बस। तो जब परिणमन को देखोगे तो अनादि अनंत एक धारा दिखेगी, और परिणमन में भेद करोगे ये निगोदिया एक इंद्रिय दो इंद्रिय फलाना ये ऐसा ये वैसा, तो ये भेद खड़े होंगे। भेद खड़े होंगे तो विकल्प होंगे, और अभेद अभेदता देखोगे तो निर्विकल्पता होगी। हमारा प्रयोजन निर्विकल्पता है आगे ना, ये है देखने की दृष्टि इसमें। सोचो कितना गजब का रहस्य है, आचार्य भगवंतों ने सच में जंगल में रहकर के कितना अद्भुत काम किया है, सोचो जरा, है ना। बस हो गया टाइम, तो हो गया, ज्यादा हो गया।